एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का जो 2023-24 का सैंपल पेपर है, जिसका कोड है 034, यानी कि जो आपका म्यूजिक वोकल सब्जेक्ट है, उसका सैंपल पेपर सोल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर जो है जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं, जो एग्ज़ाम है आपका ये 2 घंटे का रहेगा और टोटल 30 मार्क्स का रहेगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 70 मार्क्स जो है आपके प्रैक्टिकल के ही रहते हैं। और सैम्पल पेपर आप जरूर करके जाएं, क्योंकि सैम्पल पेपर से बहुत हद तक क्वेश्चन जो है मिलते जुलते ही आते हैं। तो सैम्पल पेपर आपका काफ़ी हेल्प करता है आपके एग्ज़ाम की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं आपके एग्ज़ाम में। तो इंस्ट्रक्शन रीड कर लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में कह रहा है कि सेक्शन ए में अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क। तो आपको आपका जो एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन आपका जो एक नंबर का रहेगा। सेक्शन बी की बात करते हैं, इसमें भी आपको ऑल क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। तो इसमें आपके क्या है, जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का रहेगा। और सेक्शन सी की बात करते हैं, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस विल कैरी 6 मार्क्स। तो आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। इसमें इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि आपके 3 क्वेश्चन आते थे, उसमें से आपको 2 करने होते थे, और इस बार आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और जो कि आपके 6 नंबर में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पेपर। एक चीज ध्यान रखिएगा कि सैंपल पेपर जो है आपका हिंदी में जारी नहीं किया गया है, आपका सैंपल पेपर जो है इंग्लिश में ही जारी किया गया है। लेकिन आपका क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। और बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट रहता है कि हमने पहले तो इंग्लिश मीडियम फिल कर दिया, क्या हम म्यूजिक का पेपर हिंदी में दे पाएंगे? तो यस, आप हिंदी में दे पाएंगे, हिंदी में आप म्यूजिक का पेपर लिख पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उसी टाइम चाहे हिंदी में लिखना चाहे चाहे इंग्लिश में लिखना चाहे, आपकी च्वाइस है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं सेक्शन ए का। रिसिपिएंट ऑफ द टाइटल आफ्ताब ए मौसीकी, तो आफ्ताब ए मौसीकी का टाइटल जो है किस पर्सन को दिया गया था? अब्दुल करीम खां, बड़े गुलाम अली खां, फयाज खां या फिर तानसेन? तो फयाज खां को जो है आफ्ताब ए मौसीकी उपाधि से जो है नवाजा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर वाज रिटन इन, तो यानी कि संगीत रत्नाकर कब लिखा गया था? 10th सेंचुरी में, यानी कि 10वीं शताब्दी में, 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में, या फिर 15th सेंचुरी, आपकी 15वीं शताब्दी में? तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको इसको 13वीं शताब्दी लिखना है, क्योंकि जो शारंगदेव का जन्म है वो 1210 के आसपास माना जाता है और ग्रंथ की रचना भी ऐसा ही माना जाता है कि इन्होंने इसी के आसपास मतलब की होगी। तो इसीलिए ये सेंचुरी जो है आपके 13th सेंचुरी के लाएगी। बच्चे फटाफट से 12th कर देते हैं, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा। ग्राम दैट बिकम एक्सटेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जो आपका ग्राम है वो टाइम के मतलब आपका जो है एक्सटेंट का मतलब है कि यानी कि जो चीज़ विलुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो सबसे पहले आपका देखते हैं हम कौन सा ग्राम ऐसा था। गंधार ग्राम, षड्ज ग्राम, या फिर मध्यम ग्राम, या फिर पंचम ग्राम? तो फर्स्ट आपका आंसर राइट है। गंधार ग्राम क्या था, प्राचीन काल में ही आपका विलुप्त तो हो गया था, यानी कि इसका वर्णन जो है ज्यादा हमें देखने को नहीं मिला। एक्सटेंट का मतलब आप विलुप्त से ही लोगे। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, तो मालकोस इज एन ओड़व जाति राग, तो मालकोस जो है ओड़व जाति का ही राग है। और जोड़ी स्टिंग्स ऑफ तानपुरा आर ट्यून्ड इन सास्वर, तो बिल्कुल सही बात है कि जो तानपुरे की जो जोड़े की तारे होते हैं वो सास्वर से ही मिलाई जाती है। और हम थर्ड देखते हैं, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित बिलोंग टू पटियाला घराना। नो, कृष्णराव शंकर पंडित जो है ग्वालियर घराने से संबंध रखते हैं। और संधि प्रकाश रागस आर संग इन द आफ्टरनून, संधि प्रकाश जो राग है वो दोपहर के बाद गाए जाते हैं। तो संधि प्रकाश राग जो है आपके सुबह के 4 से 7 और शाम के 4 से 7 गाए जाते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी जो है रोंग रहेगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट रहेगा, ए एंड बी। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ब्रैकेट साइन इन यूज फॉर खटका, तो खटका के लिए ब्रैकेट यानी कि कोष्टक का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल राइट। कोमल गर्नी आर यूज इन भैरव, भैरव में जो है आपका रे और धा कोमल लगता है, तो ये रोंग हो गया है आपका।
फिफ्थ क्वेश्चन है, देर आर नो फ्रेट्स इन तानपुरा, यानी कि तानपुरे में कोई पर्दे नहीं होते। बात बिल्कुल राइट है, तानपुरे में पर्दे नहीं होते हैं, सितार में होते हैं। अलाप इज संगीन स्लो टेम्पो, अलाप जो है उसकी गति जो रहती है विलंबित रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आपके तीनों ऑप्शन राइट होंगे, ए सी डी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है, तो संगीत परिजा, धमार, झपता, संगीत रत्नाकर, 14 मात्रा है, सप्तध्यायी, पंडित अहोबल और 10 मात्रा है। तो संगीत प्रजात हमारे लिखा था पंडित अहोबल ने, धमार की आपकी 14 मात्राएं होती हैं, झपताल की 10 मात्राएं होती हैं और संगीत रत्नाकर में 7 अध्याय होते हैं। तो हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा राइट बनेगा। फर्स्ट का थर्ड था, तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट का थर्ड किस में है, इसमें है तो एक ही में है, तो वैसे भी आपका यही आंसर बन जाता है। मैच द फ्लोइंग में सबसे ईजी यही रहता है, अगर आपको कभी कभी एक ही आंसर आपको कन्फर्म हो तो सारे आपको उसी ऑप्शन से पता चल जाते हैं कि क्या राइट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्टेटमेंट वन दे रखे, अकॉर्डिंग टू संगीत रत्नाकर देयर आर 15 टाइप्स ऑफ गमक। बिल्कुल, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। 7 शुद्ध मूर्छना आर प्रोड्यूस फ्रॉम ईच ग्राम। तो ये आपका जो है राइट है कि हर ग्राम से जो है आपकी 7 मूर्छना ही बनती हैं। और तो स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड जो है दोनों सही है, बोथ आर ट्रू। पंडित अहोबल इज द पायनियर म्यूजिशियन टू एस्टेब्लिश स्वर्स ऑन द स्ट्रिंग ऑफ वीणा। तो यही सबसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वीणा में स्वरों की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल आपकी राइट है कि पंडित अहोबल ने ही स्वरों की स्थापना वीणा पर की थी और ये ऐसे पहले व्यक्ति थे। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, रूपक ताल हैज इट्स खाली ऑन फोर्थ बीट। तो पहली मात्रा पे खाली होता है, आपको पता है इस बात का। तो स्टेटमेंट वन इज ट्रू है बट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन बी में, डेफिनेशंस आपको 3 दी हुई है। देखो, दो दो नंबर वाले क्वेश्चन में आपकी खास बात रहेगी कि आपको आप वापस इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, मतलब उन दोनों में से भी आपको कोई एक करना है। तो चलते हैं कर्ण, गमक, मूर्छना, खटका, तो इन 4 परिभाषाओं में से भी आपको 3 करनी है। तो बेसिकली कर्ण की परिभाषा क्या होती है, किसी भी स्वर को जब हम गाते बजाते हैं तो उसके आगे या पीछे वाले स्वर को जब स्पर्श करते हैं तो कर्ण स्वर कहलाते हैं। और कर्ण स्वर के आपके बेसिकली 2 प्रकार है, पूर्व लगन और अनुलगन कर्ण। बात करते हैं गमक की, तो गमक क्या होता है, स्वरों का एक ऐसा कंपन होता है जो श्रोता के चित्त के लिए सुखदायी होता है। और गमक के 15 प्रकार जो है माने गए, उन 15 प्रकार के नाम आप लोग याद कर लेना। मूर्छना क्या होती है, 7 स्वरों का जब एक क्रम के अनुसार हम आरोह अवरोह कर देते हैं तो वो आपकी मूर्छना बन जाती है। तो आपकी टोटल मूर्छनाएं जो आपकी ग्राम से बनती हैं, तो 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनेंगी और 3 ग्राम से आपकी 21 मूर्छनाएं बनेंगी। बात करते हैं खटका की, तो खटका क्या होता है, जब 4 स्वरों को, 4 या 4 से अधिक स्वरों को द्रुत गति में गाया बजाया जाता है तो खटका कहलाता है। खटका का साइन हमने अभी पढ़ा था, कोष्ठक होता है, ब्रैकेट होता है। डिस्क्राइब द साइलेंट फीचर्स ऑफ राग बागेश्री, तो आपको बागेश्री का इसमें विशेषताएं बतानी थी। तो इसके अंदर आप कुछ पॉइंट ध्यान रखेंगे एक्सप्लेन करते समय कि आपको क्या क्या चीजें मेंशन जरूर से जरूर करनी है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। एक तो आपको बताना है थाट, तो और दूसरा बताना है वादी संवादी, स्वर बताने हैं, जाति बतानी है, गायन समय, संप्राकृतिक राग और आरोह पकड़। ये पॉइंट तो मेंशन करने ही है, इसके अलावा आपको जो पता है मेंशन कर सकते हैं इसमें। तो डिस्कस द ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, तानपुरे की ट्यूनिंग कैसे की जाती है। 4 तारे होती हैं, पहला तार मंदर सप्तक के प से मिलाया जाता है। अगर मंदर प स्वर किसी राग में नहीं लग रहा है तो उस कंडीशन में मंदर सप्तक के म से मिला देते हैं। अगर दोनों ही स्वर किसी राग में नहीं लग रहे तो उस कंडीशन में मंदर सप्तक के ग या नी से मिला देंगे। और दूसरा तीसरा तार जोड़ी का तार कहलाता है, जिसको हम सा से मिलाते हैं लेकिन मध्य सप्तक के सा से मिलाते हैं। और 4th तार भी हमारा सा से मिलाया जाता है लेकिन मंदर सप्तक के सा से। नेक्स्ट देखेंगे परिचय, इन दोनों में से भी आपको एक अटेम्प्ट करना था। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द लाइफ स्केच ऑफ पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, तो इसमें आपको कृष्णराव शंकर पंडित का जीवन परिचय लिखना है। लेकिन उसमें लिखते समय आपको कुछ बात ध्यान रखनी है, इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, इनके पेरेंट कौन थे, इनकी एजुकेशन कहाँ से थी, किस स्टाइल में गाते थे, इनका घराना क्या था और इनकी संगीत में योगदान क्या थे, एंड ऑल्सो इस कॉन्ट्रीब्यूशन टू म्यूजिक। तो आपको ये कुछ बातें ध्यान में रख करके सिर्फ 2 नंबर में लिखना है, इसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ संगीत रत्नाकर, तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के बारे में देना है 2 नंबर में। तो इसमें आपको ध्यान रखोगे संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था, शारंगदेव ने कब लिखा और जो इनके अंदर बताया गया वो आपको लिखना है। डिस्क्राइब धमार ताल एंड राइट इट्स था का मतलब एक गुनी होता है और दुगुन इन ताल नोटेशन, तो आपको धमार ताल का परिचय लिखना है, फिर उसकी एक गुन दुगुन की टेबल बनानी है।
नेक्स्ट चलेंगे डिस्क्राइब ब्रीफली एनी थ्री ऑफ द फ्लोइंग, तो इनमें से तीन आपको किसी भी कोई भी डेफिनेशन आपको बतानी है। तीन तोल आप क्या होता है, राग के सुरों को जो विलंबित गति में गाते बजाते हैं। ग्राम क्या होता है, सात सुरों का एक समूह होता है, ग्राम कहलाता है। तो ग्राम के तीन प्रकार होते हैं, षड्ज, मध्यम और कंधार। मीन क्या होता है, जब हम एक स्वर से दूसरे स्वर पर इस प्रकार जाते हैं कि जब हमारी आवाज जो है टूटनी नहीं चाहिए। और मीन का चिन्ह क्या होता है, अर्धचंद्राकार, जब दो स्वर लिखे उसके ऊपर अर्धचंद्राकार लगाया जाता है। और मुरकी क्या होता है, तीन स्वरों को जो हम द्रुत गति में गाते बजाते हैं तो आपकी मुरकी कहलाते हैं। तो बात करते हैं डिस्क्राइब द मेन कंटेंट्स ऑफ संगीत परिजात, तो संगीत परिजात ग्रंथ के बारे में बताना है। सेम जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि संगीत रत्नाकर्मे की कब लिखा गया, कौन राइटर है इसके, तो संगीत परिजात जो है पंडित ओबल के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ टाइम थ्योरी ऑफ रागास, तो रागों का समय सिद्धांत होता क्या है उसके बारे में बताना है। रागों के समय सिद्धांत को कितने प्रकार में बांटा गया सारा डिटेल से आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉग्नाइज द राग फ्रॉम द फ्लोइंग फ्रेजेस ऑफ स्वर्स एंड इलाबोरेट इट अप टू 50 स्वर्स, मतलब आपको पहले तो पहचानना है कि राग कौन सा है और फिर उसमें 50 स्वरों का विस्तार करना है। इस क्वेश्चन के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप अटेम्प्ट कर पाए तो अच्छी बात है। इसके ऑप्शन में आपको सेकंड क्वेश्चन मिलने ही वाला है, तो बच्चे कुछ एक्सेस चीजों पे लगे रहते हैं और जो मेन चीजें होती है वो छोड़ देते हैं। तो बजाय मैं तो यही कहूंगी कि आप इससे ऊपर वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करें, और नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। सा गा मा पा धा धा पा, तो गा उर धा, इसमें हमारे को कोमल दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे को एक चीज देखिए कि आपका सिलेबस में तीन ही राग है, भैरव जिसमें रेधा कोमल लगता है, फिर है आपका मालकोस, मालकोस में आपका क्या क्या कोमल लगता है, गाधा नी, तो गाधा इसमें कोमल लग रहा है। तो थर्ड है आपका बागेश्री जिसमें गा उर्नी कोमल लगता है ना। अगर हम इसको मालकोस में रखें तो मालकोस में रे और पा वर्जित रहता है, तो मालकोस रागी नहीं हो सकता, ठीक है। तो और आपका भैरव राग में आपका रे और धा कोमल होता है, तो ये भैरव राग भी नहीं है। मालकोस में आपका रे और पा दोनों नहीं लगते हैं, और तो आपका ये मालकोस राग भी नहीं है। और बागेश्री की बात करते हैं तो बागेश्री में आपका गा और नी कोमल होता है, तो शायद या तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिख दूंगी, वहां से आप इसका राइट आंसर जो है चेक कर लेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राइट द नोटेशन ऑफ विलंबित ख्याल विथ 32 मात्रा स्थान इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब राग, तो आपको क्या करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। पहली बात तो इसका ध्यान रखिएगा, आपको नोटेशन लिखनी है विलंबित ख्याल की, किसी भी राग में लिख सकते हैं, आपकी च्वाइस है, कोई राग का नाम नहीं दिया हुआ है। और आपको दो ताने भी लिखनी है जो कि 32 मात्रा में होने चाहिए, ठीक है। राइट द नोटेशन ऑफ धमार इन एनी वन ऑफ द प्रेस्क्राइब राग, किसी भी राग में आप धमार की स्वरलिपि लिख सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ऑलमोस्ट हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल सा करके दे दिया है, लेकिन समझना है पहले आपको क्वेश्चन को। अलंकार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, तो अलंकार जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यानी कि शास्त्रीय संगीत में एक इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। अलंकार लिटरली मीन्स ओर्नामेंट, तो अलंकार का मतलब क्या होता है, आभूषण। दीज आर यूज फॉर ओर्नामेंटेशन ऑफ अ राग, तो रागों को सजाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इट इज ऑल्सो रेफर टू एज पलटा, इसको पलटा के नाम से भी जाना जाता है। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग वेरियस मूवमेंट्स ऑफ स्वर एज अलंकार आर बेस्ड अपॉन वर्ड्स, तो अलंकार जो आपके वर्णों के आधार पर ही बनाए जाते हैं। और काफी इंपॉर्टेंट है इसको सीखने में, इसको सीखने से हमारे अलग अलग मूवमेंट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल गाने में सीख रहे हैं तो हमारे गाने में हमें कलाकारी झलकेगी, बजाने में हमारे हाथों की इंप्रूवमेंट होती है। तो अलंकार कैन बी सेट टू डिफरेंट टास्क एंड रागास, तो अलंकार को जो है डिफरेंट अलग अलग तालों में और रागों में जो है सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आफ्टर रीडिंग द अबव पैसेज क्रिएट 6 अलंकार्स बेस्ड अपॉन डिफरेंट वर्ड्स इन 3 डिफरेंट ताल्स, तो मतलब 3 तालों आपको टोटल 6 अलंकार बनाने हैं, 6 अलंकार बनाने हैं डिफरेंट वर्ड्स, मतलब डिफरेंट स्वरों का प्रयोग करते हुए।
और थ्री डिफरेंट ताल्स के अंदर छह अलंकार बनाने हैं, तीन टोटल तीन ताले अलग अलग में बनानी है और अलग अलग स्वरों का प्रयोग करते हुए, यानी कि आप एक ही स्वर बना देंगे सारे काम पाधा निशा और उसी को उसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। विच इसके ऑप्शन में जो क्वेश्चन है, विच कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट ऑफ ध्रुपद और ख्याल यू आर मोस्ट इम्प्रेस्ड विद, मतलब से पूछ रहा है कि किस आप ध्रुपद और ख्याल के गायक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है। क्रिटिकल एनालाइज इस हर स्टाइल इन इन योर ओन वर्ड्स, उनकी डिटेल स्टडी जो है आपको बताने हैं किसी ध्रुपद गायक की या किसी ख्याल गायक की। तो इनडायरेक्ट मैं कहूँ तो आप किसी का जीवन पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि जो पर्सन ख्याल गायक रहा आपके जीवन पीछे में ही है ये, जैसे बड़े गुलाम अली खां हैं, कृष्ण राव शंकर पंडित हैं आपके, और फियाज खां हैं, फियाज खां ध्रुपद गाते थे ख्याल भी गाते थे, तो आपको इन दिनों में जिसका भी प्रभावित लगता है आप उनके बारे में बता सकते हैं, उनके घराने कौन थे। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दे रखा है लेकिन आपके बुक से ही आपके सिलेबस से ही ऐसा मत सोचे कि ऐसा बना के दे दिया गया है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपका पेंडिंग छोड़ दिया है, 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, जो भी इसका राइट आंसर होगा जो राग होगा इसका उसका आंसर मैं आपको मेंशन कर दूंगी। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, सॉरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जो है जरूर करें, थैंक यू।